नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करते हैं हर एक मेडिसिन की बेसिक जानकारी, इतना तो पता ही होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंटर के। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटनिसोल एन आई ड्रॉप के बारे में। बेटनिसोल एन आई ड्रॉप एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग आँख या कान के बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, या आँखों में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारता है और उसे बढ़ने से रोकता है। इस तरह ये लक्षण से राहत देता है और इलाज में तेजी से लाता है। बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। इसमें बेटा मेथासोन 0.1% प्लस नियोमाइसिन 0.5% मिला रहता है। ये ग्लास्को स्मिथी काइन फार्माकेटिकल्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स यानी इसके फायदे के बारे में। बेटनिसोल एन आई ड्रॉप्स अप्लोकैक्सिन और बेटामेथासिन की कॉम्बिनेशन दवा है। यह अप्लोकैक्सिन एक एंटीबायोटिक है जो संक्रमण बैक्टीरियों को बढ़ने से रोकता है। बेटामेथासिन आँख या कान के संक्रमण के कारण होने वाले दर्द, लालीपन, खुजली, छाले, आँखों से पानी आना या कान से डिस्चार्ज जैसे लक्षण से राहत देने में मदद करता है। डोज और इलाज का सही समय का आपकी कंडीशन के आधार पर आपके डॉक्टर द्वारा बताए जाएंगे। सुनिश्चित करने कि आप इलाज का पूरा कोर्स पूरा कर लें। इसे यह सुनिश्चित होगा कि इन्फेक्शन का पूरी तरह से इलाज हो जाए तथा वह वापस न आए। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में निजी डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो आप निजी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। बेटनिसोल के सामान्य साइड इफेक्ट है जैसे जलन का एहसास या खुजली। बात करते हैं ये किस प्रकार काम करता है। बेटनिसोल एन आई ड्रॉप्स दो दवाओं का मिश्रण है, बेटामेथासोन और नियोमाइसिन। बेटामेथासोन एक स्टेरॉयड है जो उन केमिकल मैसेंजर को बनने से रोकता है जिनकी वजह से आँख या कान में खुजली, लालिमा, सूजन की समस्याएं होती हैं। नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, यह बैक्टीरिया में महत्वपूर्ण जैविक कार्यों के लिए आवश्यक प्रोटीनों के संश्लेषण को रोककर आँखों या कानों में बैक्टीरियल वृद्धि को रोकता है। बात करते हैं ये किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे या यूज इसे कैसे करेंगे। यह दवाई केवल बाहरी इस्तेमाल के लिए है, इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार खुराक और अवधि मिले। इस्तेमाल करने के पहले लेवल की जांच कर ले, ड्रॉप को पकड़े और आँख या कान के करीब रखें। धीरे धीरे ड्रॉप को निचोड़े और दवा को निचली पलक या कान के अंदर डालें। अतिरिक्त द्रव्य को साफ कर दें। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के बारे में और भी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।